हेलो फ्रेंड्स, एसिड बेस वाला टॉपिक चल रहा है। इसमें एसिड और बेस क्या होते हैं और इनकी अलग अलग अवधारणाएं वो किन किन के द्वारा दी गई, इनके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम एसिड बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है अम्ल व चार की धातु के साथ क्रिया अभिक्रिया। अम्ल व क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल व क्षार हैं ये धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, एक तो लवण का निर्माण करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अम्ल और क्षार, तो सबसे पहले अम्ल के बारे में लिखते हैं। अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है जैसे अम्ल H2SO4 क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अम्लों का राजा कहते हैं। ये धातु जैसे जिंक धातु ले ली, तो अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बना लेते, हाइड्रोजन गैस H2 यहाँ से आ गया और क्या बचा, ZnSO4 जिंक सल्फेट लवण का निर्माण हो गया। और एग्जाम्पल की बात करें जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करके लवण और जल हाइड्रो सॉरी हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पहले हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस में H2 के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ H एक ही है, तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H2 बन गया। फिर क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो Na के भी दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2NaCl बनेगा, तो लवण और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीतल के बर्तन होते हैं उनमें दही को क्यों नहीं रखना चाहिए, तो पीतल में एक मिश्र धातु है, पीतल में कौन सी धातुएं कौन सी हैं, कॉपर और जिंक धातु हैं और दही, दही में क्या है, लैक्टिक अम्ल है। तो अम्ल धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगी, एक विषैले लवण का निर्माण करती है, क्या बनाएगी, विषैला लवण, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए कभी भी पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आगे बेस की बात करें, क्षार है यह भी धातु के साथ रिएक्शन करके, धातु के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्षार के रूप में जैसे NaOH, NaOH लिया, धातु कौन सी है, जिंक, और जिंक धातु क्या बनेगी, एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से H2 मॉलिक्यूल लेंगे, H एक ही आ रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन बैलेंस करनी जरूरी है, तो H2 बन गया और साथ में क्या बनेगा, Na2, Na2 जिंक बचा, जिंक और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, ZnO2, Na2 ZnO2, तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो लवण बनता है और साथ में जल का निर्माण होता है। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ
धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल इसे रिएक्शन कर रहे हैं धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगा? लवण, और साथ में जल का निर्माण करते हैं। जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, उनकी नेचर है वो बेसिक नेचर होती है, ये ध्यान रखना। तो इनकी नेचर कैसी होगी? बेसिक क्षारीय नेचर के होंगे धातु ऑक्साइड। एग्जाम्पल देखें, अम्ल अम्ल के रूप में हमने क्या लिया है? जैसे HCl अम्ल ले लिया, और धातु ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है। HCl अम्ल प्लस कॉपर ऑक्साइड, इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन रहा है? एक तो जल बनाते हैं, तो सबसे पहले हम जल बना लेते हैं H2। H का एक ही मॉलिक्यूल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, H2 बनेगा, और ऊपर CuCl2 बन जाएगा, साथ में लवण CuCl2। तो लवण और जल का निर्माण हो गया जब धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। बेस हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन से नहीं करते हैं, वो अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन से करते हैं। बेस किसके साथ रिएक्शन से करेंगे? अधातु ऑक्साइड के साथ। चार अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं। जब अम्ल है, अम्ल और क्षार है, वो धातु के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तब तो क्या बन रहा था? लवण बन रहा था, और लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। और जब धातु ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं अम्ल और क्षार, तो ये क्या बनाएंगे? लवण और साथ में जल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की बात करें क्षार की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले लिया, और अधातु ऑक्साइड के रूप में हम CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक अधातु है, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? जल और लवण का निर्माण करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लवण का निर्माण होगा। तो क्षार अधातु से रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। जो यहाँ अधातु ऑक्साइड है, उनकी नेचर कैसी होगी? एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। धातु ऑक्साइड थे वो बेसिक नेचर के थे, और अधातु ऑक्साइड हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है अम्ल की, धातु कार्बोनेट कार्बोनेट या अपन कहें कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल के जब धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, और साथ में CO2 गैस निकलती है, और जल का निर्माण होता है। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट कार्बोनेट रिएक्शन करके अब क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल, और क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। HCl अम्ल है, ये धातु कार्बोनेट के रूप में हमने ले लिया। Na2CO3 कार्बोनेट क्या होता है, CO3, तो Na2CO3 धातु कार्बोनेट है। इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, पहले हम जल बना लिया हमने, और क्या बना लिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया। यहाँ से CO2 HCl का H2O बन रहा है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। फिर क्या बचा, और क्या बनेगा इसमें साथ में, NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। NaCl के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो यहाँ क्या होगा, HCl है वो Na2CO3 के साथ रिएक्शन करके NaCl सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहे हैं। HCl और धातु कार्बोनेट नहीं लेकर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, जैसे NaH धातु हो गई, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, जल H2O बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। और क्या बनाते हैं, NaH2, यहाँ से H2 और ऑक्सीजन ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बचा क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। इस प्रकार हमने देखा कि अम्ल और क्षार हैं वो धातु के साथ रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस बना रहे थे, और अम्ल और क्षार हैं वो धातु ऑक्साइड, अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण कर रहे थे, जबकि क्षार हैं वो धातु अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे थे और लवण और जल बना रहे थे। अब धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके अम्ल हैं वो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं, जबकि क्षार की बात करें तो क्षार हैं ये धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, क्षार प्लस धातु कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देंगे। नो रिएक्शन। आगे हम लवण की बात करते हैं, लवण क्या होते हैं, साल्ट। जब अम्ल और क्षार हैं वो रिएक्शन करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे और साथ में जल बनेगा। तो जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं तो वो अपने गुणों को खो देते हैं, यानी हम कहें कि वो उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इस क्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण भी कहा जाता है। तो लवण क्या होगा, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो क्या है, अपने गुणों को खो देते हैं या उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इस क्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण क्रिया भी कहा जाता है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। लवण भी तीन तरह के बनते हैं, लवण तीन तरह के बनेंगे, अम्लीय लवण, दूसरे क्षारीय लवण। और तीसरे हैं उदासीन लवण। उदासीन लवण अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कौन से होंगे, जब अम्ल प्रबल होगा और दुर्बल क्षार होगा तो क्या बनाते हैं, अम्लीय लवण का निर्माण करते हैं। क्षारीय लवण में क्या होगा, जब क्षार है वो प्रबल होगा और दुर्बल अम्ल होंगे तो रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, क्षारीय लवण बनाएंगे। और उदासीन लवण क्या होते हैं, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, या कहें कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। तो अम्लीय लवण में क्या होगा, अम्ल है वो प्रबल होगा, तो प्रबल अम्ल
और दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्या बनेगा? अम्लीय लवण। क्षारीय लवण कैसे बनेगा? जब क्षार प्रबल होगा तो प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल ये क्षारीय लवण का निर्माण करते हैं। जब अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल हो तो वे एक उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल क्षार उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण अम्लीय लवण की बात करें तो इसमें क्या होगा? अम्ल होगा वो प्रबल होगा। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल लेना है तो HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल है। और दुर्बल क्षार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया NH4OH, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं? अम्लीय लवण बना रहे हैं। क्या बनेगा? NH4Cl और साथ में जल का निर्माण होगा। NH4Cl प्लस क्या बन जाएगा? जल। क्षारीय लवण की बात करें, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण में क्या होगा? क्षारीय लवण इसमें क्षार है वो प्रबल होता है। जैसे प्रबल क्षार का एग्जाम्पल लें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो दुर्बल अम्ल से रिएक्शन करेगा। दुर्बल अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनता है। पहले जल बना लेते हैं, H2O क्या बचा? CH3COO और Na, तो लवण और जल का निर्माण हो गया। तो ये जो लवण बना है वो कैसा है? क्षारीय लवण है। आगे उदासीन लवण देखते हैं। उदासीन लवण में प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है वो क्रिया करके उदासीन लवण बनाते हैं। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, NaOH ये भी प्रबल क्षार है, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? एक तो जल का निर्माण करते हैं H2O, और क्या बचा? NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड कैसा है? एक उदासीन लवण है। इस प्रकार हमने आज केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की है, एसिड और बेस की, और लवण के बारे में बात की है।